अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं माहम खान। आप देख रहे हैं समीज न्यूज़। सबसे पहले हेडलाइंस। एवन फील्ड केस का फैसला, नवाज शरीफ को 10 साल कैद और 8 मिलियन पाउंड जुर्माना। एवन फील्ड फ्लैट भी जब्त। मरियम नवाज को गलत बयानी पर 7 साल कैद और 2 मिलियन पाउंड जुर्माना। कैप्टन सफदर को भी 1 साल कैद। कैप्टन सफदर और मरियम नवाज 10 साल के लिए नाअहल। कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी के लिए नैब टीम मानसहरा रवाना। नून लीग एहतसाब अदालत के फैसले को मुस्तरद करती है। शहबाज शरीफ, ये फैसला सियासी बुनियादों पर किया गया। एहतसाब अदालत में हजारों केस सालों से जेरे समाज हैं। शहबाज शरीफ, जामपुर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनूबी पंजाब खवातीन विंग की सदर मोहतरमा शाजिया आबिद, मलिक एहसान इमरान, सप्तैन सरवर समेत 40 अफराद पर मुकदमा दर्ज। दाजल थाना हनीफ शहीद गौरी की हदूद में ए कैटेगरी के पोलिंग स्टेशन की टूटी फूटी दीवारें सिक्योरिटी के लिए सवाल निशान। मरियम नवाज को कैलिबरी फॉन्ट में 1 साल मजीद सजा। हसन हुसैन नवाज इश्तिहारी करार, दायमी वारंट गिरफ्तारी जारी। मरियम नवाज, कैप्टन सफदर और नवाज शरीफ के वारंट की गिरफ्तारी के लिए नैब सोमवार को एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर करी। अब खबरें तफसील से। एवन फील्ड केस का बड़ा फैसला, नवाज शरीफ को 10 साल कैद, 8 मिलियन पाउंड जुर्माना, जायदाद की जब्तगी की सजा सुना दी गई। नवाज शरीफ को ये सजा आमदन से जायद असासे बनाने पर दी गई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने तफसीली सजा सुनाई। मुल्जिमान 10 साल के लिए किसी भी सरकारी ओहदे के लिए नाअहल होंगे। हुदूद थाना हनीफ गौरी शहीद दाजल में इलेक्शन 2018 की वोटिंग के लिए दाजल शहर में पोलिंग स्टेशन गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल, जिसका शुमार ए कैटेगरी में हो रहा है। इस पोलिंग स्टेशन की चार दीवारी जानिब चुमाल हरण रोड पर 25-30 फुट गिरी हुई है, अभी तक तामीर ना हो सकी। इसी रास्ते से मुख्तलिफ उम्मीदवारों के हामी और दौराने वोटिंग इंतशार और बदअमनी का खदशा है, वोटिंग में रुकावट का बायस बन सकती है। ये था आज का न्यूज़ बुलेटिन। ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए समीज़ न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।